तो चलो भाई ड्रैग रेस स्टार्ट करते हैं फिर। A few moments later. अरे एनएस निकल गई। ओ भाई साहब एक रहा पोपी की वजह से निकल रहा है भाई। अब गई। अरे जा रही है भाई, भाग रही है, भाग रही है। अब टीम का पावर देखो, डाल दिए छठवा गियर। अरे बाप रे एनएस में पावर है भाई। थोड़ा सा धीरे कर लेते भाई आगे। A few moments later. तो अब देखो भाई अब पंकज भाई को हरा पाते हैं कि नहीं। अरे हमारा कपड़ा उड़ गया है भाई, पंकज भाई को हराएंगे आज हमारे एनएस जीत जाएगी। थोड़ा सा डैमेज में भाग नहीं रहे, डाल दिया भाई पूरा एनएस भाग रही है जबरदस्त भाई। ओ भाई साहब ओ हो बहुत मस्त भाई, एनएस में पावर है भाई। इसमें भी थोड़ा पावर है लेकिन क्या बोले भाई, थोड़ा सा ओल्ड मॉडल हो गया ना भाई और फुल्ली मेंटेन नहीं है लग रहा है ऐसे, वरना भागती है। इनिशियल तो टक्कर दे रही है भाई, वरना कहाँ केडीएम से कोई बाइक जीतती है भाई इनिशियल में। डीएस3 ड्यूक 200 को हरा चुके हैं भाई, काफी मजा आया ड्रैग रेस में। 125 ही में इतना में हरा दिया भाई, देख सकते हो। तो अब रिजल्ट की बात करें तो इनिशियल से इतना भयानक भाग रहा है ना ये वाला, पूछा इसमें स्टॉक है ना भाई इसीलिए थोड़ा सा देर लगा रहा है। सही में ये पिकअप जल्दी बना रहा है एग्जॉस्ट के साथ ना। हाँ, ये वाला पिकअप थोड़ा फास्ट बना रहा है। हाँ। एक रफ अभी एग्जॉस्ट लगा है इसीलिए जल्दी पिकअप बना ले रहा है। तो भाई रिजल्ट की बात करें तो ऑब्वियसली हमारे बजाज पल्सर एनएस 200 को देंगे BS7, वरना कहाँ टिकती भाई। अगर उसमें अगर फुल्ली मेंटेन रहता ये टिकती नहीं बजाज। हाँ हो सके मैं भी, क्योंकि हो सके BS7 की वजह से हो सके मैं भी अगर टॉप एंड में मार पाती तो। हाँ टॉप एंड में निकल जाती भाई। हाँ लेकिन क्या बोले भाई इसमें, हाँ ज्यादा ओल्ड हो गया और इसमें थोड़ा कंडीशन ठीक ठाक है लेकिन क्लच प्लेट में थोड़ा क्लच में उतना क्लच लाइट नहीं ना है। हाँ, इस वजह से इसका फुल्ली मेंटेन है, ज्यादा दिन 6-7 महीने हो रहा होगा इसका तो। 6-7 महीने ज्यादा नहीं है। तो रिजल्ट की बात करें तो ऑब्वियसली बजाज पल्सर NS200 को देंगे क्योंकि, और सेकेंड की बात करें तो वो ड्यूक 200 BS3 है। तो भाई तो एकरा पोर्विक के वजह से ये टॉप एंड नहीं सॉरी इसे जल्दी पिकअप बना पा रही है NS200 जो BS7 है। तो चलिए फिर चलो भाई सेकेंड राउंड स्टार्ट करते हैं। अभी हम चलाएंगे ड्यूक BS3। हो सके मैं भी, उतना तो नहीं बता सकते हैं। चलो हम चलो भाई फिर ड्यूक का पावर दिखाते हैं पंकज भाई को। आज का पावर दिखाएंगे भाई आज। चलो क्योंकि मेरा वेट भी कम है ना, तो हो सके। अरे भाई पंकज भाई कहाँ है आगे। अबे पटाखा फूट रहा है, थोड़ा ज्यादा ही मजाक हो गया भाई। अब देखो चीरते हैं कैसे इसको, अब देखो छठा गियर निकल जाएंगे भाई चीरते हुए। बाप रे 140 पे क्रॉस हो रहे भाई, पीछे गई थी। A few moments later. Guys, तो हम लोग को जगह कम पड़ जाती है
और बीच में कोई ना कोई पहुंच ही जाता है इस जगह में, इस वजह से जगह हम लोग को कम पड़ जाती है यहाँ पर ही भगाने में। अगर हाईवे रहता तो काफ़ी अच्छा होता हम लोग को। यहाँ पर भी वो अंकल बीच में ही ला रहे हैं, साइड नहीं कर रहे हैं, फिर क्या ही बोले। कहाँ पर है? वहाँ पर है, धूल था ना वहाँ। ओ हल्का धूल था ना, हो गया एकदम क्रॉस हो जाएगा टॉप एंड में। टॉप एंड में निकल जाएगी एनएस 140 के पार जैसे जाती है ना। हाँ एकदम पकड़ना शुरू कर देती है। अरे ये बीच में यहाँ पर ये अंकल आ गए ना इस वजह से। तो अभी रिजल्ट किसको देंगे, विनर किसको देंगे? विनर तो वही है, कुछ भी बोलो। हाँ कुछ भी बोलो, विनर उसी को देंगे हम लोग। इसमें ना हाँ। क्या बोले, इसमें ज्यादा हवा मारता है शरीर को, थोड़ा ज्यादा नहीं उतना। तो सेकेंड राउंड में क्या हुआ भाई, देख सकते हो कि रिजल्ट की बात करें तो हम लोग एनएस को ही देंगे, एनएस 200 को, BS7 को ही, क्योंकि टॉप एंड में वो निकल जाएगी। और ये तो उतना क्या बोले, क्योंकि पुराना हो चुका है ना, हो सके तो उतना क्लच भी उतना अच्छा से काम नहीं कर रही है इस वजह से, लेकिन काफ़ी अच्छा टक्कर दे रही है ड्यूक 200 BS3 भी। तो आई होप आप लोग को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा हो दोस्तों, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहीं तक वीडियो को ख़त्म करते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर भाई।